तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे इसका डेटा केबल है और जो कि प्रॉपर वर्क कर रहा है और एक डिवाइस है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सिस्टम है जिसमें मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ पे मेरा सीपीयू है। तो सबसे पहले आपको सीपीयू में इस यूएसबी पोर्ट को आपको लगा देना है और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो कलर के पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं यूएसबी के। एक होता है ब्लू कलर में, यानी कि उससे फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होती है जिसको 3.0 बोलते हैं, और एक होता है 2.0, या फिर ये जो यूएसबी के निशान आप देख रहे हो इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड है मतलब वो 3.0 है। तो मैं किसी एक में लगा देता हूँ, फास्ट और स्लो से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको है तो आप देख लीजिएगा 3.0 में लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर यूएसबी पोर्ट लगा दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरा जो इसका छोर होता है इसको आपको क्या करना है, मोबाइल में कनेक्ट कर देना है, ठीक है, कंप्यूटर ऑन रखना है। तो मोबाइल में जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह का कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के साथ स्क्रीन पे इस तरह का दिखेगा। तो इसमें याद रखिएगा कि अगर सिर्फ चार्ज करना है तो आप चार्जिंग मोड पर रखिएगा, और ट्रांसफ़र फाइल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका स्क्रीन पे इस तरह का कुछ आ जाएगा। अगर नहीं आया स्क्रीन पे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे चले जाना है फाइल में, और फाइल में जाने के बाद दिस पीसी पे चले जाना है, ठीक है। दिस पीसी पे चला गया और दिस पीसी में जाओगे तो इस तरह का रियलमी का दिखेगा आपको, तो इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर आपको फाइल देखने को नहीं मिलती है, इसका मतलब होता है मोबाइल आपका लॉक होता है, तो मोबाइल को अनलॉक करके रखना है। तो बहुत सारे लोगों का अब सवाल होता है कि जो मैंने कैमरे से शूट किया है या फिर मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है तो वो फाइल कहाँ होगी। तो आप देख सकते हो DCIM करके एक फोल्डर होता है, इसी फोल्डर में सिस्टम के द्वारा जितनी भी फाइल्स होती हैं, जैसे कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है या फिर आपने कैमरे से शूट किया है या फिर वीडियो है फोटो है, तो जनरली इसी में होती है। और बाहर से किसी ऐप से आपने किया है, जैसे कि आपने अगर शेयरिट में फाइल डाल रखी है तो शेयरिट में मिलेगा, काइनमास्टर वाली अगर प्रोजेक्ट है तो काइनमास्टर में मिलेगी। इसी तरह से अगर कोई और एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं जैसे DU रिकॉर्डर, तो रिकॉर्ड मास्टर करके फोल्डर आएगा। तो DCIM हमारा मेन फोल्डर होता है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। इसके बाद आपको ये कैमरा वाला सेक्शन ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको यहां पे वीडियोज फोटोज सारे कुछ दिख जाएंगे। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, फाइल जब कॉपी करते हैं तो ये पूरा फोल्डर ऐसे उठाते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अगर कॉपी करना होता है, या फिर मूव करना होता है तो यहाँ पर कट पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे केच फाइल होते हैं जो कि बाइट में होते हैं, और बाइट में लाखों फाइल होते हैं यहाँ पे। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ दो ही फाइल है, तो दो ही फाइल नहीं है, बहुत सारे फाइल है जो कि हिडन होते हैं। तो आपको क्या करना है, कैमरे को ओपन कर लेना है और स्पेशली उस फाइल को सेलेक्ट करना है जिसको आपको कॉपी करना है, या कैमरे के अंदर जा करके इस तरह से सेलेक्ट करना है। कभी भी कैमरे के पूरा फोल्डर को कॉपी नहीं करना है, ज़्यादा समय आपका लग सकता है, ठीक है। और DCIM नाम के जो फोल्डर है इसको तो गलती से भी कॉपी नहीं करना है। तो चलिए मान के चल लेता हूँ कि ये जो दो फाइल हैं इसका मुझे कॉपी करना है, तो चलिए ये दो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर ये करना है पूरा, तो इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल दबा के एक एक फाइल को भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको पूरा फाइल सेलेक्ट करना है और आपको ना ही तो इस तरह से करके और पूरा फाइल पे ड्रैग करना आता है लेफ़्ट क्लिक करके, या फिर कंट्रोल दबा के भी नहीं आता है, तो आप क्या करोगे कि एक फाइल को सेलेक्ट कर लोगे और इसके बाद यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा के होल्ड करके रखना है। इसके बाद एक लास्ट वाले फाइल को सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ तक कंटिन्यू फाइल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है, ओके। तो चलिए यहाँ पर एक फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ या फिर कट कर लेता हूँ। आपको पता है कि ये वाला जो ऑप्शन होता है कट का, कट का मतलब होता है कि यहाँ से फाइल हट जाएगी और आपके कंप्यूटर में चली जाएगी, मोबाइल से हट जाएगी, और कॉपी करोगे तो यहाँ पे भी रहेगी, वहाँ पे भी रहेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे चला जाता हूँ। अब मुझे जहाँ पे भी फाइल पेस्ट करना है, जैसे कि अगर डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे करूँगा, या फिर नया फोल्डर बना के करना है तो नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा और इसको डबल क्लिक कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और इसी चीज़ को अगर मुझे किसी और जगह पे पेस्ट करना है तब भी मैं कर सकता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक बार जब ये प्रोसेस हो रहा है तो इसी समय आप चले जाओगे उस फोल्डर में, आपने मोबाइल वाले फोल्डर में, और यहाँ से एक और फाइल उसी समय अगर पेस्ट करने की कोशिश करोगे तो आवाज़ होगा सिस्टम में और बोलेगा कि सिस्टम अभी वर्क नहीं कर सकता या बिजी बताएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और माफ़ कीजिएगा कि माइक थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने माइक को हाथ में पकड़ रखा है, तो इधर उधर कर दिया मैंने। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।